अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 मोस्ट रिपीटेड जीके क्वेश्चंस के हवाले से। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं और रिपीटेडली अपीयर हुए हैं। वो पेपर चाहे PPSC के हों, FPSC के हों, NTS के हों, FIA, IB, MOD या ANF के हों, उनमें ये MCQs अपीयर हो चुके हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि इन MCQs के बारे में आपको इल्म हो, ताकि आप ये MCQs याद करते हुए अपने नंबर जो हैं वो सिक्योर कर सकें। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फर्स्ट टाइम इन। तो व्यूअर्स, इसका आंसर है 1973। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो 1973 में इंट्रोड्यूस करवाए थे। आफ्टर विच अमेंडमेंट फाटा वाज ऑफिशियली मर्ज्ड विद खैबर पख्तूनख्वा। फाटा जो कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, अब एक्स फाटा हो चुका है, उसको 25th अमेंडमेंट के ज़रिए KPK में मर्ज कर दिया गया था। विल बी दी नेक्स्ट लीप ईयर, फॉलोइंग ईयर्स में से कौन सा लीप ईयर होगा? तो व्यूअर्स, 2024 जो है वो नेक्स्ट लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर कौन सा होता है उसके हवाले से आप ये जान लें, अ लीप ईयर इज़ अ कैलेंडर ईयर दैट कंटेन्स एन एडिशनल डे। तो प्रीवियसली 2020 जो है वो लीप ईयर था, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो 2024 और उसके बाद 2028 लीप ईयर होगा। एक ऐसा साल जिसमें फेबररी 28 डेज़ का होता है उसको, 29 डेज़ का होता है उसको लीप ईयर कहा जाता है। नॉर्मली जो है ये फेबररी का मंथ 28 डेज़ का होता है। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर यूज़फुल इन माइक्रोस्कोप? तो जो लेंस माइक्रोस्कोप में यूज़फुल है वो व्यूअर्स कन्वेक्स लेंस है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ वार्मेस्ट ओशियन? तो नीचे दिए गए ओशंस में से पैसिफिक ओशन ऐसा ओशन है जो कि वार्मेस्ट ओशन कहलाता है। क्वेश्चन है, द वेव्स विच आर यूज्ड बाय TV रिमोट कंट्रोल, इन वेव्स को इंफ्रा रेड वेव्स कहा जाता है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन है, टू क्लीन द आइस फ्राम द रोड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज? जब हैवी स्नो फॉलिंग हो रही हो तो रोड से आइस को हटाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल होता है वो है साल्ट। कशफुल महजूब वाज रिटन बाय, कशफुल महजूब जो कि सूफीज़म पे तसव्वुफ पे एक मशहूर ज़माना बुक है, ये लिखी है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। कशफुल महजूब इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट एंड रेवर्ड पर्शियन ट्रीटीज ऑन सूफीज़म। द बुक विद इट्स पर्शियन फ्लेवर ऑफ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन एंड फिक्शन इज इटसेल्फ अ पीस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर है जी राहुल देव फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान होने का दर्जा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 8 सितंबर 1958 पाकिस्तान परचेज द ग्वादर फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है जी पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को परचेज़ किया था। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली इसको जो है वो पूछा गया है डिफरेंट पेपर्स में। वो ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने ग्वादर किस कंट्री से परचेज़ की, तो ओमान है। फिर डेट पूछ ली जाती है कि डेट कौन सी थी और इसका ईयर कौन सा था जब ग्वादर को परचेज़ किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 2004 में स्टेट बैंक में म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी जो है उसको कायम किया गया था।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी वॉज एस्टेब्लिश इन 2004। कुनार रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड, कुनार रिवर जो है इसको चतराल रिवर भी कहा जाता है। दरावर फोर्ट इज़ इन, दरावर फोर्ट जो है ये भावलपुर में वाक़या है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका व्यूअर्स राइट आंसर है 1952। PIDC को 1952 में एस्टेब्लिश किया गया अंडर एन एक्ट ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव। शाहजहाँ मॉस्क इज़ इन, तो व्यूअर्स ये मॉस्क ठट्टा में वाक़या है। शाहजहाँ मॉस्क ठट्टा सिंध में वाक़या है, इसको जामिया मस्जिद ठट्टा भी कहा जाता है और इसको 17th century में इसको तमीर किया गया था। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो देवदार ट्री है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट एवर आई बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका नाम है जी अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। बुक डॉटर ऑफ ईस्ट, वेरी फेमस बुक वाज रिटन बाय, तो बेनजीर भुट्टो ने ये बुक लिखी थी। अल फरूक इज़ रिटन बाय, तो ये बुक शिबली नुमानी की तहरीर करता है। द प्लानट विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट्स एक्सिस, तो व्यूअर्स जुपिटर जो है ये ऐसा प्लानट है विच हैव शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कवान, आपने सुना होगा नाम। द एलिफेंट वाज मूव्ड फ्रॉम इस्लामाबाद जू ऑन कोर्ट्स ऑर्डर टू विच कंट्री, तो व्यूअर्स ये कवान एलिफेंट जो है ये कोर्ट्स के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कंबोडिया जो है उसको मूव करवाया गया था। कवान जो है ये बेसिकली एलिफेंट था विच वाज गिफ्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू पाकिस्तान इन 1985। He remained at Islamabad Zoo till November 2020. The first and only vice president of Pakistan was, तो इसका right answer है वो नूरुल अमीन है। Current prime minister of आज़ाद कश्मीर is, इसका right answer है जी सरदार तनवीर इलियास खान। सरदार तनवीर इलियास खान right now is the prime minister of आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को हैज़ हेडक्वार्टर्स इन, तो इसका राइट आंसर है कराची। स्पार्को के हेडक्वार्टर्स कराची में वाक़या हैं। पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड थ्रू सिल्क रोड विद, तो इसका राइट आंसर है जी चाइना, जो कि पाकिस्तान का क्लोज फ्रेंड है। पाकिस्तान सिल्क रोड के ज़रिए चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमबर्ग इज़ द सी पोर्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी जर्मनी। हमबर्ग जो के जर्मनी की सी पोर्ट है। लार्जेस्ट पेनिनसोला इन द वर्ल्ड इज़, तो अरेबियन पेनिनसोला जो है ये लार्जेस्ट पेनिनसोला इन द वर्ल्ड है। ये भी रेपिटेटिवली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया बॉर्डर विद, तो इसका राइट आंसर है डेरा बाबा नानक से कनेक्ट करता है। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड मार्स, तो इसका राइट आंसर है दो। विच प्लैनेट इज सर्व्स एज अ प्लैनेटरी बॉडीगार्ड फॉर अर्थ, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि प्लैनेटरी बॉडीगार्ड फॉर अर्थ के तौर पे खिदमात सर अंजाम देता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर टाइम एक्यूरेटली, तो इसका राइट आंसर है जी क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन है डायमंड्स आर मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर है कार्बन। वन US ऑयल बैरल इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स, तो इसका राइट आंसर है 159 liters के इक्वल होता है एक US बैरल। क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, तो ओरिएंट एयरलाइन जो है ये पाकिस्तान की कदीम तरीन एयरलाइन शुमार की जाती है। वेन द स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग, तो इट इज़ कॉल्ड एज बुल मार्केट, जब स्टॉक मार्केट राइज कर रही हो तो इसको बुल मार्केट कहा जाता है, इसको बुलिश भी कहा जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाक
सैट आईआर वाज लॉन्च्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 2011 में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज थंडर बोल्ट ऑफ एशिया, तो भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसको थंडर बोल्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। ICC वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जी इंडिया। ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में मुनक्किद होगा। प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड अप्यारी, इसको कहा जाता है जहां पर शहद की मक्खियों को रखा जाता है। असमारा इज द कैपिटल ऑफ, इसका राइट आंसर है जी एरिट्रिया। व्यूअर्स आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में अगर वो कैपिटल से रिलेटेड हैं तो उसमें अब ट्रेंड ये है कि फेमस कंट्रीज़ के कैपिटल नहीं पूछे जाते, अब अननोन और जो ऐसे जो ज़्यादा फेमिलियर कंट्रीज़ नहीं हैं उनके कैपिटल्स के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए कैपिटल्स के हवाले से। कॉन्टीनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान इज़, तो इसका राइट आंसर है जी 350 नॉटिकल माइल्स। व्यूअर्स ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टीनेंटल शेल्फ हैज़ अप्रूव्ड 350 नॉटिकल माइल्स, जो कि पाकिस्तान की कॉन्टीनेंटल शेल्फ लिमिट है उसको अप्रूव किया था। इससे पहले ये लिमिट 200 नॉटिकल माइल्स हुआ करती थी। क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इज़, तो ये तरबेला डैम जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है। तरबेला डैम इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम, इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इट इज़ बिल्ट ओवर रिवर इंडस। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज लॉन्च्ड बाई विच कंट्री, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है रशिया। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो रशिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1989 में फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो कराची में वाक़िया हैं। वापडा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958, वापडा जो कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको फरवरी 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था। इन विच ईयर फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जिस तरह का मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर मर्ज्ड विद खैबर पख्तूनख्वा, तो 2018 में फाटा को KPK से मर्ज किया गया एज़ पर 25th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA इज़, तो मोहसिन भट्ट जो हैं करंट DG FIA हैं। साल्टीएस्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, डॉन जॉन पॉन्ड जो है ये साल्टीएस्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है। डॉन जॉन पॉन्ड ऑफ एंटार्क्टिका, जो कि एंटार्क्टिका में वाक़ है, इज़ द साल्टीएस्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 40% सेलिनिटी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 1947 में FPSC को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक इदारा है रिक्रूटमेंट्स के लिए, जो कि सिविलियन रिक्रूटमेंट्स और ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट के लिए काम करता है। अनदर नेम ऑफ K2 इज़, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है माउंट गुडविन ऑस्टिन। गुडविन ऑस्टिन जो है K2 का और अदर नेम है। K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और इसकी हाइट जो है अगर फिट में बात करें तो 28,251 है और 8611 मीटर्स अगर मीटर्स में इसको मापा जाए। करंट DG ISPR ऑफ पाकिस्तान इज मेजर जनरल बाबर इफ्तखार करंट DG ISPR हैं। द करेंसी रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो शेरशाह सूरी ने करेंसी को करेंसी जो कि रुपी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में, और रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन 1945 टू 1950। ये शेरशाह सूरी ने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ये सब कॉन्टिनेंट में, जो के बाद में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी इनसे मार से वजूद में आए, वहाँ पर इसका रेगुलरली इस्तेमाल जो है वो 1945 से 1950 में शुरू हुआ। वेयर द सिनाई पेनिनसुला इज़ लोकेटेड, सिनाई पेनिनसुला जो है ये इजिप्ट में वाक़ है। इट इज़ अ लैंड बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका,
The famous Mount Sinai is also located in Sinai Peninsula. Study of universe is called cosmology. Study of universe को cosmology कहा जाता है. It is a branch of astronomy and concerned with the origin and evolution of the universe. Sui gas was first discovered in Pakistan in 1952 में सुई गैस को डिस्कवर किया गया था सुई के मुकाम से. FIFA World Cup 2022 will be held in Qatar. Qatar में वाक़या ये FIFA World Cup 2022 जो है ये मुनक़िद होगा. क्वेश्चन है वन मेगा पिक्सल इज इक्वल टू, तो 1 मिलियन पिक्सल्स के इक्वल होता है 1 मेगा पिक्सल. स्पीड ऑफ द विंड यूजुअली मेजर्ड बाय, तो जो इंस्ट्रूमेंट स्पीड ऑफ द विंड मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको एनेमोमीटर कहा जाता है. वफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ पलस्टाइन, ये वफा जो है ये न्यूज़ एजेंसी ऑफ फलस्तीन की. Who gave the theory of relativity? Very famous question. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थेरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी. द इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज़ वॉज स्टार्टेड इन, लेनिन पीस प्राइज़ जो है उसकी शुरुआत 1925 में हुई थी. द नेम ऑफ स्वीडिश पार्लियामेंट इज़ रिक्सडाग, जो है ये नेम है स्वीडिश पार्लियामेंट का. ये कुछ फेमस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. तो एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है. लेनिन पीस प्राइज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है. आपको ये भी जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान के किन किन लोगों को ये प्राइज़ मिल चुका है, कौन सा कंट्री इस प्राइज़ को अवार्ड करता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी. ये चीज़ें जो हैं आपको इन क्वेश्चन के हवाले से इल्म होनी चाहिए. जब क्वेश्चन आपके सामने पुट किया जा रहा है तो एक वन लाइन होगा, लेकिन आपको इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट इलम मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कॉन्टेक्स्ट से भी पूछा जाता है. क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, तो व्यूअर्स ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द हेग में वाक़ है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन लार्जेस्ट सिटी ऑफ नैदरलैंड. हेग जो है वो नैदरलैंड का लार्जेस्ट सिटी भी है. व्यूअर्स जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए और इनके ऑफिसेज कहाँ कहाँ वाक़ हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड इज़, तो इसका राइट आंसर है जी चाइना. डेंसिटी ऑफ मिल्क इज़ मेजर्ड बाय, लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर की जाती है. द सिटी फेमस फॉर इट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ सियालकोट. सियालकोट पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो कि अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से खासी शोहरत रखता है. द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, तो ओलियो रॉयमर जो है उसने वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया था पहली दफ़ा. क्वेश्चन है पाकिस्तान लॉन्च्ड एंटार्क्टिक प्रोग्राम इन, तो इसका राइट आंसर है 1991 में पाकिस्तान ने एंटार्क्टिक प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया था और फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज सेंट टू एंटार्क्टिका इन 1991. केपीके गॉट द स्टेटस ऑफ गवर्नर्स प्रोविंस इन 1937 में केपीके को ये स्टेटस दिया गया था. नीलम रिवर इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरी कहा जाता है नीलम रिवर को. नवाज शरीफ एंटर्ड इन टू पॉलिटिक्स इन द इरा ऑफ, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के दौर में पॉलिटिक्स में एंटर हुए. वेयर इज़ द लेक सैफुल मलूक सिचुएटेड, से लेक सैफुल मलूक जो है ये कागान वैली में वाक़ है. व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान. नेशनल गेम जो पाकिस्तान की है वो हॉकी है. पाकिस्तान की जो नेशनल चीज़ें हैं जिस तरह नेशनल ड्रिंक है, नेशनल ट्री है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल गेम है, नेशनल पोइट है, इसके हवाले से आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. व्हेन वाज़ द पाकिस्तानी सेक्शन ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ऑफिशियली इनॉग्रेटेड, तो इसका राइट आंसर है जी मार्च 11, 2013 में इसको इनॉग्रेट किया गया था. ऑन विच रिवर द बगली हार डैम वाज कंस्ट्रक्टेड, तो इसका राइट आंसर है जी चिनाब रिवर पे इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है.
व्हाट वाज दी मदर टंग ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, तो इसका राइट आंसर है गुजराती। ये भी एक फेमस क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में रेगुलरली पूछा जाता है। ग्वादर पोर्ट वाज बिल्ट विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है चाइना। क्वेश्चन है विच चेन ऑफ हिल्स इज लोकेटेड इन सिंध पाकिस्तान, तो कोहे कीर्थर जो है ये एक ऐसी चेन है जो कि सिंध में वाक़ है। द दियोसाई नेशनल पार्क इज़ अ हाई आल्टीट्यूड अल्पाइन प्लेन प्लेट्यू एंड नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है जी गिलगित बल्तिस्तान में ये दियोसाई नेशनल पार्क वाक़ है। इन डैश द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड टू अडॉप्ट द डेसिमल सिस्टम फॉर इट्स कॉइनेज, तो ये ईयर था जी 1961। वेरी फेमस क्वेश्चन, ऑन विच रिवर द सिंधाई हेडवर्क्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, तो इसका राइट आंसर है जी रावी रिवर पे सिंधाई हेडवर्क्स वाक़ है। डैश इज द एरिया दैट लाइज बिटवीन चनाब एंड रावी रिवर, तो इसको रचना दुआब कहा जाता है। अगर आप रावी का रा और चनाब का चच देखें चे देखें तो इसको आपको दुआब बनाने में आसानी हो जाएगी। रचना दुआब इस तरह से इसको मिला के ये वर्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इस्लामिक कॉलेज पेशावर वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर है जी 1912 में ये कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे, 1300 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है कराक्रम हाईवे की। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज उमर अता बंदयाल। इन विच रेंज ऑफ माउंटेन्स द बोलान पास इज सिचुएटेड, टोबा काकड़ रेंज में बोलान पास वाक़ है। इन पाकिस्तान सीजन ऑफ मानसून स्टार्ट्स इन जुलाई एंड एंड्स इन अगस्त में, जुलाई से अगस्त तक मानसून का सीजन रहता है। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर अलामा इकबाल डिड हिज पीएचडी, तो म्यूनिख से अलामा इकबाल ने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने पीएचडी की डिग्री कब कंप्लीट की थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी और आपके पीएचडी के थीसिस का टाइटल क्या था। ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हेल्प्स पाकिस्तान टू कम्प्लीट स्टील मिल्स, रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने पाकिस्तान को हेल्प किया था स्टील मिल्स कम्प्लीट करने में। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस, बलोचिस्तान प्रोविंस जो है वो एरिया वाइज पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है। हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जाहिद हुसैन वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप टू द यूनाइटेड नेशन, अफगानिस्तान वाहिद एक ऐसा कंट्री था जिसने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप को अपोज किया था। नागा पर्वत इज़ लोकेटेड एट, तो हिमालय रेंज में नागा पर्वत वाक़ है। विच गवर्निंग बॉडी इन पाकिस्तान रेगुलेट्स द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी बॉडी है जो कि पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। विच माउंटेन इज़ नोन एज सेविज माउंटेन, K2 जो है इसको सेविज माउंटेन भी कहा जाता है। What razor thin country accounts for more than half of the western coastline of South America? तो चिली एक ऐसा कंट्री है जो कि मोर देन हाफ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका है। कैनेडा इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी प्रोविंसेस, कैनेडा जो है वो 10 प्रोविंसेस पे मुश्तमिल है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द कैरेबियन सी, क्यूबा जो है वो कैरेबियन सी में लार्जेस्ट आइसलैंड है। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएसए इज़, तो इसका राइट आंसर है जी प्रिंसेस रीमा बिनते बंदर। व्हेन फैटफ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय G7 स्मिथ दैट वाज हेल्ड इन पेरिस, तो इसका राइट आंसर है 1989। व्यूअर्स ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का दर्जा रखते हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो चाहे FPSC की हों, PPSC की हों,
NTS के हों, FIA, ANF और MOD, इसके अलावा अदर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं। आपको इन एग्जाम्स के बारे में इल्म होना चाहिए, इन क्वेश्चन के बारे में इल्म होना चाहिए और आपने तैयारी इनसे कर सकें। व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त प्रेपरेशन कर रहे हैं FIA के टेस्ट के लिए जो कि अभी सीट्स आई हैं, उसमें है असिस्टेंट की सीट है, सब इंस्पेक्टर की सीट है, UDC, LDC या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की सीट्स अगर आप देखें तो वहाँ पर अपीयर होंगी। अगर आपने इन सीट्स पे अप्लाई किया हुआ है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बुकलेट अवेलेबल है। बुकलेट में डाटा कंप्राइज किया हुआ है कि प्रीवियस अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो उनमें इंग्लिश 20% पूछी जाती है, GK का मेजर पोर्शन होता है, इस्लामिया 20% है, कंप्यूटर उसमें 10% पूछा जाता है और इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग का 10% पोर्शन होता है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बुक, एक और बुक हमारे पास है जी जो कि तैयार की गई है MOD एस्पिरेंट्स के लिए। उसमें डिफरेंट सीट्स पे जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, सुपरवाइज़र ट्रैफिक एनालिस्ट, असिस्टेंट ASI, सुपरवाइज़र UDC LDC, तो ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। आप इस बुकलेट को किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 3419609058, इस पर व्हाट्सएप करते हुए आप में हमसे ये बुकलेट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे अपना जो है पैगाम सेंड करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप हमारा फेसबुक पेज जो कि उस्ताद जी ऑनलाइन के नाम से है, उसका आपके सामने विंडो दी गई है, इस तरह का बुक पेज दिखाई देता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस www.facebook.com/ustadjionline1 के ज़रिए भी एक्सेस किया जा सकता है और आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये बुकलेट चाहिए और आपको ये बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपके कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, अगर कोई आपको ये चीज़ें बताते हुए मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो आप उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि उसको जो है बार वक्त सॉर्ट आउट किया जा सके। ये चीज़ें रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं, उसके हवाले से भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, अपना कमेंट कीजिए ताकि हम उनको उसको अपडेट कर सकें और उस कमेंट को जो है पिन कर सकें ताकि जो विजिटर्स हैं उनको आसानी हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने से और क्लैरिफिकेशन जो है वो उनको मिल सके। व्यूअर्स, इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे अपडेट होती रहती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारे चैनल पर बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी भी जॉब के लिए, तो उसके लिए हमारे चैनल पर डाटा आपको मिलेगा। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और फेलोशिप्स जो कि इंटरनेशनल और नेशनल्स हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो शेयर की जाती हैं, आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टू गो आउटसाइड द कंट्री किसी भी इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो आपके लिए हमारा चैनल हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपसे आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल।